हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे यहाँ पे बच्चों की फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। यह बच्चों को बहुत पसंद आने वाली आइसक्रीम है। अभी छुट्टियाँ चल रही है, बच्चे घर पे कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो बच्चों को जल्दी से आप यह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना के खिलाइए। उनके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। अब इन दोनों को एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी। ध्यान रखें, इसके अंदर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हमने गैस को चला दिया है और एकदम फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसके अंदर एक अच्छा उबाल आने तक वेट करते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप्स का यह स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून यह कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब मैं इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर का 4 टेबल स्पून ही मिल्क ऐड करूँगी। अब इन दोनों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। अब दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और अब हम यह मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर यह सारा कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क धीरे धीरे करके डाल दिया है और इसको लगातार मैं इसी तरह से चलाती गई। मैंने 2 से 3 मिनट तक लगातार इसको चलाया, इसके अंदर एकदम अच्छे उबाल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून शुगर ली है। शुगर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए स्ट्रॉबेरी का एसेंस ऐड करेंगे। आप कोई भी ब्रांड का एसेंस ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप जितना एसेंस लिया है और मिल्क के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। ये देखिए, एकदम ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको इस आइस बॉक्स में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम इस प्लास्टिक पैकिंग पेपर से हम इस तरह से कवर कर देंगे। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक की थैली को कट करके इसके ऊपर इस तरह से लगा दें और इसको 3 से 4 घंटे तक फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दें। ये देखिए, मैंने 3 से 4 घंटे तक इनको अच्छे से फ्रीज होने दिया। अब हम इसको किसी चम्मच की सहायता से इस तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने सारी आइसक्रीम को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम एक जार में डाल देते हैं और इसका हम फिर से एकदम अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसका एकदम अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। यह क्वांटिटी में भी डबल हो चुका है और कितना स्मूथ, कितना अच्छा पेस्ट बना है यह। अब हम फिर से इसको आइस कंटेनर में डाल के, ये देखिए इस प्रकार से आइस कंटेनर में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैंने कुछ चेरी लगाई है, आप चाहें तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी कट करके डाल सकते हैं। अब हम फिर से इसको प्लास्टिक पेपर से इस तरह से कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर फ्रिज की जो आइसिंग होती है वो इसके ऊपर ना जाए, एकदम अच्छी सी स्मूथ आइसक्रीम बने। इसको हम फुल नाइट के लिए आइसक्रीम जमा के इस तरह से तैयार कर लेते हैं। यह देखिए, मैंने इसको फुल नाइट आइस किया है। अब मैं आपको यह निकाल के दिखाती हूँ कितनी स्मूथ आइसक्रीम बनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स कितनी स्मूथ कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर मैंने फिर से कुछ चेरी के पीस लगाए हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरी इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का वीडियो? जल्दी से आप यह आइसक्रीम बनाइए, सबको खिलाइए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल फ्रेंड्स, बाय बाय।